आज हम लोग संजीवन आए हैं, हमारे गुरुजी जो हमारे योगा के गुरुजी हैं वो 1100 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करके आज आए हैं, तो उनका वेलकम करने के लिए हम सभी साधिकाएं और साधक उनका स्वागत के लिए जा रहे हैं। संजीवन कानपुर किदवई नगर, हरिओम। 1100 किलोमीटर की ये यात्रा माननीय श्री आदरणीय विनोद शुक्ला जी ने बड़े ही धैर्य पूर्वक और बड़े ही साहस की है। हमारे गुरुजी आए हैं पदयात्रा करके, हम सबके गुरुजी, तो कुछ आप उनके लिए। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, योगाचार हम लोग को तन मन से स्वस्थ करते हैं और हम लोग के स्वास्थ्य कामना करने के लिए यहाँ से पहली ऐसी यात्रा हमारे कानपुर से, जो कि इन्होंने पद यात्रा यहाँ से पूरे विश्व में योग पहली पद यात्रा इनकी यहाँ से रही है, जो हमारे यहाँ के एक एक साधक बहुत ही खुश है। और वास्तविक में अब लग रहा है कि योगा में बहुत ही ताकत और एनर्जी है, उनको देख के लग रहा है कि हम लोगों को भी यात्रा करनी चाहिए और योग से जुड़ना चाहिए। योग से उनका एक प्रयास था कि योग कराते हुए योग है, वो बहुत ही सराहनीय रहा है। यात्रा जागरण पद यात्रा का समापन एवं स्वागत समारोह का आयोजन संजयवन इंस्टीट्यूट केंट पर किया गया, जिसमें हमारे माननीय MLC श्री अरुण पाठक जी एवं डॉक्टर श्री आनंद प्रकाश जी यहां पर स्वागत के लिए उपस्थित हुए। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी दुर्गम पदयात्रा थी, जिसमें 1130 किलोमीटर कानपुर से पैदल चलकर सिर्डी तक जाना था। यही नहीं, इसके साथ जितने भी हमारे पड़ाव बने उन पड़ावों में 40 स्थानों पर हमारे योगाचार्य श्री विनोद शुक्ला एवं श्री सर्वेश कुरिल जी ने युग करके वहां पर योग और ध्यान के अभ्यास कराए। विद्यालयों में, ढाबों पर, स्कूलों में और मंदिरों में जहां जहां भी इन्हें प्रातः मौका मिला, इन्होंने रुक करके जनमानस को योग कराया। निश्चित रूप से हमारी पद यात्रा बहुत ही अविस्मरणीय रहेगी, क्योंकि इस पद यात्रा के माध्यम से हमारे योगाचार्य श्री विनोद शुक्ला जी ने जो एक संदेश दिया है कि हम जन जन को ये पहुंचाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यक्रम को उन्होंने साकार करने की पूरी कोशिश की है। हम श्री विनोद शुक्ला योगाचार्य जी का सम्मान आदर नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको वैसी शक्ति दे, श्री साईं बाबा उनको शक्ति दे, ताकि भविष्य में भी जीवन में अपने श्रेय के प्रयासों को पूरा करते रहें। जब भी हमें कोई भी चीज के लिए निमंत्रण देते हैं तो हमेशा स्वीकार करते हैं। हम पाठक जी हमारे योग केंद्र के बचपन से भी इसने आपका धन्यवाद। 40 दिन और 40 दिन का जो व्यवहार मिलकर मन प्रफुल्लित हो गया। सर इधर देखिए, प्रेम पार्टी है। नहीं आपसे बड़ी इसके बलबूते तो कर सकता है, दोनों ही चीजें योग के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसका तन मजबूत होगा, मन मजबूत नहीं होगा, वो भी नहीं करता है। मन मजबूत होगा और तन मजबूत नहीं होगा, वो भी नहीं करता है। ये वही कर पाएगा इसका तन और मन दोनों मजबूत होगा। मैं बहुत आभारी आदरणीय साहू जी का भी हूँ कि आदरणीय गुरु जी का, और आप तो मेरे योग गुरु नहीं बोलूंगा, अभावक है, गार्जियन है। समय समय पर मैं 7-6 महीने उनके पास जाता रहता हूँ। कोई एक योग बताइए जो बैठे बैठे हो जाए, एक योग बताइए जो मेरी लाइफ स्टाइल के अनुसार कभी निराश नहीं किया है। ये नहीं कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बस ऐसे करते हो, तो उसमें कोई एक योग बता देते हो। हर खुशखबरी ये है कि मैं पुस्तक के बारे में बात करूँ, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और जितना मुझे खुशी हुई है।
जो काम हम नहीं कर सके आप लोग करेंगे। गुरु जी को सत सत नमन हम सबका। और इन्होंने इतनी अच्छी यात्रा पूरी की है और सर्वेश भाई ने भी, तो इनके लिए सब जितनी भी साधिका हैं स्वागत कर रही हैं हमारे गुरु जी का। बहुत अच्छा भाई, तालियां। सम्मान दिया जाना चाहिए। मैंने भी बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया है 40 दिवसीय पदयात्रा, लोक जागरण पदयात्रा में दो चीजें हमने लोगों को बताने का प्रयास किया है, आपके जीवन में गुरु का क्या महत्व है, दूसरा आपके जीवन में योग का क्या महत्व है। इस योग जागरण पदयात्रा से हमने ये जन जन को बताने का प्रयास किया। तब फिर साईं बाबा के दरबार खाली हमें पहुंचना है 1100 किलोमीटर पैदल चलिए। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे गुरुजी 40 दिन की पदयात्रा करके आ रहे हैं और आज हमने उनका वेलकम किया है। उनके साथ में सर्वेश भाई ने योगी जी का काम किया है, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुरुजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने पूरी यात्रा सफल की और वापस हंसी खुशी से सब लोग लौट के आए। हरिओम। ये पदयात्रा पूरी करने के बाद योग गुरु विनोद शुक्ला जी और सर्वेश भाई दोनों को ही बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत किया गया है संजय वन में। तो दोस्तों चलते हैं, अब वीडियो को करते समाप्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।